हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, द कनिंग यंग मैन, मतलब कि एक चालाक इंसान। ठीक है, यंग मतलब कि जवान इंसान। डू यू एवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड बिलीव व्हाट दे से, क्या आप जो है कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं और हर बात उसकी मान लेते हैं जो वो कहता है, मतलब जो भी वो कहानी वगैरह सुनाता है उस सारी चीजों पर यकीन कर लेते हैं। देखते हैं जरा इस चैप्टर में क्या बताया गया है। नॉर्मन गॉड्सबी सैट ऑन अ बेंच इन द पार्क विच वॉज फेंस्ड बाय द पार्क रेलिंग। बोल रहे हैं कि नॉर्मन गैट्सबी नाम का एक इंसान जो है बैठा हुआ था एक बेंच पे पार्क के अंदर, जो कि फेंस हुई हुई थी, है ना, पार्क रेलिंग से। पार्क रेलिंग आपको पता ही है, जो लोहे की वो नहीं होती, जाली टाइप के, मतलब के छर लगे होते हैं जिसके अंदर, जिसे घेर रखा होता पार्क को। हाइड पार्क कॉर्नर ले इमीडिएटली टू हिज राइट। बोल रहे हैं कि हाइड नाम है उस पार्क का, और उस पार्क का कॉर्नर जो है ना, बस वहीं पर ही बैठा हुआ था वो। It was some 30 minutes past 6 on an early March evening and dusk had fallen heavily over the scene. बोल रहे कि मार्च का टाइम था वो और लगभग 6:30 बज रहे थे शाम के, और डस्क मतलब के सूरज डूब चुका था, डूबने के बाद जो अब अंधेरा छाना शुरू हो गया था उस पॉइंट को बोलते हैं डस्क। ठीक है, सनसेट होता है ना, तो सनसेट के भी बाद जो होता है उसको बोलते हैं डस्क, के सन तो पूरा सेट हो चुका, अब उसके बाद भी उसकी थोड़ी सी रोशनी आ रही है पर सन की, है ना, जिसकी वजह से भी पूरा अंधेरा नहीं छाया, बस अंधेरा छा रहा है। There was a wide emptiness over the road and sidewalk and many people moved silently through the half light or were sitting on the benches and chairs in the park। बोल रहे हैं कि अब जो है उस टाइम पे जो है रोड और साइडवॉक बोलते हैं फुटपाथ, वो सब खाली हो चुके थे, ज्यादातर लोग जो है पार्क में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि पार्क में उस टाइम पे थोड़ी भीड़ होती है डस्क के टाइम पे, आ गए तो सनसेट के टाइम पे, क्योंकि बैठ कर ना इत्मीनान करना चाहते हैं उस टाइम पे लोग। द डस्क पेंटेड अ पिक्चर ऑफ ग्लूम एंड मॉर्बिडिटी। ग्लूम और मॉर्बिडिटी का मतलब है दुख और परेशानी का मंजर बना रखा था उसने, डस्क ने। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है परेशान होगा गॉड्स भी, इसलिए उसे हर चीज परेशान हालत में दिख रही होगी। ठीक है, मॉर्बिडिटी का मतलब डिजीज वगैरह होता है या फिर परेशानी, है ना, हालत खराब हो जाना, और ग्लूम का मतलब दुखी। The scene pleased Godsby and harmonized with his present mood. कि हार्मनी बना लिया, मतलब मैच कर लिया उस सीन ने उस Godsby के साथ। Harmonize का मतलब मैच करना, तो मैच कर लिया, तालमेल बिठा लिया उसके मूड के साथ Godsby के। Dusk to his mind was the hour of the defeated. बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से, गॉड्सबी के हिसाब से ये जो वक्त था ना, वो घंटा था जिसमें वो जो है हारा महसूस कर रहा था। मैन एंड वुमन लुक्ड एज इफ दे हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइफ। बोल रहे हैं कि औरतें और आदमी जो है वो सब जो है ऐसे बैठे थे वहां पे जैसे कि अपनी जिंदगी की लड़ाई हार चुके हों। एंड इन द ट्विलाइट आवर दे वर ट्राइंग टू हाइड देयर मिजरेबल क्लोथिंग फ्रॉम अदर्स। ट्विलाइट आवर वही होता है, उस घंटे को ही ट्विलाइट आवर बोलते हैं जब सूरज या तो निकल रहा हो या फिर डूब रहा हो। ठीक है, उसका बस ट्विंकल दिख रहा हो, ट्विलाइट दिख रही हो, पतली सी जो है ना रोशनी उसमें से निकलती हुई सूरज से, वो सुबह के वक्त भी होता है, वो शाम के वक्त भी होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो इतने ज्यादा, वहां के लोग जो है ना इतना ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे अपनी मिजरेबल जिंदगी को लेकर और मिजरेबल क्लोथिंग को लेकर, मतलब मिजरेबल मतलब बेकार, बेकार कपड़ों को एक दूसरे से छुपा रहे थे। So Godsby's imagination pictured things as he sat on his bench in the almost empty place. बोल रहा है कि बस वो अपने मन में कुछ कुछ सोचने लगा। Many troubles did not press on him. Had he so wished, he could have strolled into the thoroughfares of light and noise and taken the place among those who enjoyed prosperity or struggled for it. बोल रहा है कि अब वो अफसोस कर रहा है बैठ के वहां पे पार्क में, वो जो इंसान है गॉड्सबी नाम का, क्योंकि वो हो चुका है बूढ़ा और उसे अफसोस है कि उसने अपने जवानी के वक्त में जो है अपनी जिंदगी इधर उधर में क्यों बर्बाद कर दी, वो जो है अपना जो है एवरेज से भी नीचे क्यों अपनी जिंदगी उतार दी उसने आम लोगों की तरह, वो कुछ महान काम करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा, उसके लिए उसने स्ट्रगल क्यों नहीं करा। ठीक है, वो सोच रहा है क्यों नहीं उसने भीड़ में स्ट्रोल करा, मतलब एक स्ट्रोल का मतलब कि उसमें चलना शुरू क्यों नहीं करा उस भीड़ वाले रास्ते पे उसने, मतलब कि जल्दोजहद में, मतलब स्ट्रगलिंग के रास्ते पे क्यों नहीं चला वो, और थोरोफेयर्स के मतलब वो रास्ता जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना, थोरोफेयर बोलते हैं वो रास्ता जो कि मार्केट के बीच से आता हो या फिर जो है मेन लेन से जाता हो, मतलब मेन रोड जो हो ना किसी जगह का एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, उसको बोलते हैं थोरोफेयर, जहाँ पे आमतौर पर ज्यादा भीड़ लगी रहती हो। कि उस रास्ते को उसने क्यों नहीं पकड़ा जिसपे चलना मुश्किल हो, जिसमें बहुत ज्यादा जो है लाइट हो और नॉइज हो, मतलब शोरगुल है, जहाँ पे वो अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा इंजॉय कर पाता, जहाँ पे चल पाता उस दुनिया के रास्ते पे और कुछ कामयाबी हासिल कर पाता, जैसे कि प्रोस्पेरिटी, मतलब तसल्ली हासिल कर पाता, स्ट्रगल कर पाता उस चीज के लिए। ठीक है,
प्रोस्पेरिटी मतलब कि अच्छा फ्यूचर बना पाता अपने लिए कुछ. नेक्स्ट टू हिम ऑन द बेंच सैट एन ओल्ड मैन हु लुक डिफीटेड बट रिफ्यूज टू एडमिट हिज डिफीट. बोल रहे हैं कि एक बराबर में एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था जो कि देखने में तो लग रहा था कि अपनी जिंदगी की लड़ाई हार चुका है पर मानने को तैयार नहीं था. हिज क्लोथ्स वर नॉट वेरी शैबी मतलब उसके क्लोथ्स बहुत बुरे नहीं थे ठीक है बट नाइदर एक्सपेंसिव नॉर न्यू पर मतलब बुरे नहीं थे उसके कपड़े ठीक है पर अच्छे भी नहीं थे कुछ बस ठीक थे एवरेज थे. एज ही गॉट अप गॉट्सबी इमेजिन्ड हिम रिटर्निंग टू अ होम वेयर ही वाज स्नब्ड एंड नोबडी केयर्ड अबाउट हिम. अब वो सोच रहा है उस ओल्ड मैन के बारे में कि सोचो ये इंसान जो अब घर जाएगा और घर पे जरूर इसकी कोई वैल्यू नहीं करता होगा क्योंकि ये बूढ़ा इंसान है और जिंदगी की लड़ाई हार चुका है ना इसके कपड़े कोई बहुत अच्छे हैं ये जरूर जो है अपनी जिंदगी के अंदर सबसे परेशानियां खाता रहता होगा सब इसको ऐसे इस तरीके से बिहेव करते होंगे उसका जैसे कि ये कुछ नहीं है ठीक है. स्नब्ड का मतलब था इग्नोर करना ऐसे इग्नोर कर देते होंगे लोग उसे इस तरह से बेकार बिहेव करते होंगे उसका जैसे कि वो कुछ है ही नहीं जैसे किसी को परवाह ही नहीं है उसकी. आगे बोले माय डिक्शनरी में फेंस्ड का मतलब होता है एनक्लोज करना एनक्लोज कर रखा होता है ना जालियों ने किसी भी मतलब रेलिंग से एनक्लोज कर रखा होता है हमेशा पार्क को. डस्क डस्क बोलते हैं टाइम आफ्टर सनसेट और मॉर्बिडिटी मतलब ग्लूम स्टेट ऑफ माइंड मतलब के परेशानी दिक्कत है ना दिक्कत बीमारी परेशानी जितना भी हो बेकार स्टेट ऑफ माइंड के दिमाग खराब रहना. हार्मोनाइज का मतलब टू गो वेल टुगेदर मतलब तालमेल बना लेना. थोरोफेयर का मतलब अ पब्लिक रोड और प्रोस्पेरिटी का मतलब गुड फॉर्च्यून. हिज रिट्रीटिंग फिगर वैनिश्ड स्लोली इनटू द शैडोज फिर वो मतलब ओल्ड मैन चला गया और इसी को बता रहे हैं हिज रिट्रीटिंग फिगर वैनिश्ड स्लोली इनटू द शैडोज मतलब कि वो कहीं गुम हो गया जाके मतलब चलता हुआ गया होगा और गुम हो गया मतलब चला गया वहां से. एंड हिज प्लेस ऑन द बेंच वाज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय अ यंग मैन कि उसके आप एक फिर एक नया एक जवान सा आदमी आके बैठ गया फेयरली वेल ड्रेस्ड बट स्कार्सली मोर चेयरफुल देन हिज प्रीडिसेसर. बोल रहे हैं कि उससे थोड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने पर जो है उससे कोई बहुत ज्यादा चेयरफुल नहीं था बट स्कार्सली मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा चेयरफुल था उस वाले पर्सन से मतलब हारावा वो भी लग रहा था पर इतना हारावा नहीं लग रहा था जितना कि वो ओल्ड मैन. एज इफ टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट ही वाज अनहैप्पी एंड ट्रबल्ड द न्यू कमर अटर्ड अ कर्स एज ही सेट लाइक बस ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ये चीज को दर्शाने के लिए कि वो कितना अनहैप्पी और कितना ज्यादा परेशान है वो कुछ गालियां दे रहा था मुंह से हल्की हल्की आवाज में अटर्ड अ कर्स एज ही सेट डाउन. यू डोंट सीम In a very good temper, said Godfrey. Godfrey ने बोला लगता है आपका गुस्सा कुछ अभी शांत नहीं है. Judging that he was expected to show some sympathy, इस तरीके से बोला Godfrey ने ताकि ये दिखा रहा हो अपने आप से दिलासा देने के लिए कि लग रहा है आपको बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप है ना इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है वो. The young man turned to him with a look of frankness, which put him instantly on his guard. बोला है कि उसने फिर जो है ना उसे मुस्कुराते हुए देखा थोड़ा सा मतलब फ्रेंकली देखा उस चीज को. हाँ हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है इस तरीके से. यू वुडंट बी इन अ गुड टेम्पर इफ यू वर इन द फिक्स आई एम इन. अब वो जो नया इंसान था उसने उसे बोला कि आपका भी गुस्सा शांत नहीं होता अगर आपकी भी मेरे जैसी परेशानी होती तो. इन अ फिक्स का मतलब एक परेशानी में घिरा हुआ कि आप भी अगर मेरे जैसी परेशानी में घिरे होते तो. ही सेड I have done the silliest thing I have ever done in my life. बोल रहे हैं कि मैंने सबसे बेवकूफाना काम करा है आज जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करा. Yes, said Godfrey without any enthusiasm. तो उसने पूछा एक तरह से Godfrey ने yes मतलब yes का मतलब ये भी होता है एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा ना कि हाँ बताइए क्या क्या ऐसा करा आपने. Came up this afternoon meaning to stay at the Pentagonian hotel in Berkshire space ke aaj jo hai main aaya tha rehne ke liye Berkshire hotel mein. Pentagonian Berkshire ek jagah ka naam hai city ka naam hai matlab ek jagah ka naam hai Berkshire square wahan pe ek hotel hai theek hai Pentagonian hotel wahan pe rukne ke liye aaya tha wo theek hai is shahar mein naya naya aaya tha is shahar ke andar. Continued the young man when I got there I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theater run up on the site. बोल रहा है कि जिस होटल में मैं रुकने वाला था वो होटल तो बंद हो चुका था कुछ हफ्ते पहले और वहां पे खुल चुका सिनेमा हॉल. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. Taxi driver ने बोला कहीं और चलते हैं.
मैं भी चला गया साथ में. आई जस्ट सेंट अ लेटर टू माय पीपल गिविंग देम द एड्रेस एंड देन आई वेंट आउट टू बाय सम सोप. बोला कि फिर मैं नए एड्रेस पे गया, फिर वो नया एड्रेस के बारे में मैंने लेटर वेटर लिख के भेज दिया कि अब मेरा नया एड्रेस है, फिलहाल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, किसी को मिलना हो तो यहाँ पे मिल लेना. फिर उसके बाद मैं कुछ सोप लेने बाहर चला गया, मतलब साबुन लेने. आई हैड फॉरगॉटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप. बोला कि मैं जो है ना, मुझे पसंद नहीं है होटल के साबुन इस्तेमाल करना और मैं लाना भी भूल गया साबुन, इसलिए मैं खरीदने गया था बाहर साबुन लेने. देन आई स्ट्रोल्ड अबाउट अ बिट हैड अ ड्रिंक एट अ बार. बोला कि फिर मैं जो है ना थोड़ा सा घूमा, स्ट्रोल्ड का मतलब होता है घूमा टहला थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ड्रिंक करा बार में एंड लुक्ड एट द शॉप एंड व्हेन आई केम टू टर्न माई स्टेप्स बैक टू द होटल. पर जब मैं वापस जाना शुरू करा मैंने होटल की तरफ, आई सडनली रियलाइज दैट आई डिडंट रिमेम्बर इट्स नेम और इवन वट स्ट्रीट इट वॉज इन. बोला कि फिर मुझे याद आया कि मुझे तो होटल का नाम ही नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो होटल है कहाँ पे. इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर अ मैन हु हैजंट एनी फ्रेंड्स और कनेक्शंस इन लंदन. ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हुई ऐसे इंसान के लिए जिसके ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई जान पहचान है लंदन के अंदर. लंदन में रह रहा है अभी ये फिलहाल, मतलब लंदन में बात हो रही है सारी. आई एम विदाउट एनी मनी केम आउट विद अबाउट अ शिलिंग ऑन मी. शिलिंग बोलते हैं किसी भी करेंसी की इकाई को, जैसे डॉलर में बात करें तो एक डॉलर को एक शिलिंग बोल दिया जाएगा, रुपीज की बात करेंगे तो एक रुपए को एक शिलिंग बोल दिया है. शिलिंग मतलब सिंगुलर क्वांटिटी किसी भी करेंसी की. विच आई स्पेंड ऑन बाइंग द सोप एंड ड्रिंक. बोल रहे हैं कि जो मैंने खर्च कर दिया सोप और ड्रिंक खरीदने में. एंड हियर आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विद टू पेंस इन माई पॉकेट. पेंस मतलब कुछ और छोटी अमाउंट ऑफ मनी होगी जो बची होगी उस शिलिंग में से, वो होगी इतने पैसे हैं मेरे पास, मतलब कुछ नहीं बचा मेरे पास पैसे. एंड नो वेयर टू गो फॉर द नाइट. बोला कि और रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नहीं है. देयर वाज अ पॉज आफ्टर द शॉट आफ्टर द सॉरी हैड बीन टोल्ड. थोड़ी देर वहां पे शांति छाई दोनों के बीच में. आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू रेदर एन इम्पॉसिबल यार्न. बोल अब ये खुद ही बोलता है वो इंसान जिसने कहानी बताई. बोला कि लगता है मैंने आपको, लगता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही लपेट के दे दिया. लपेट के दे दिया मतलब क्या, कुछ ज्यादा ही कहानी बुन के दे दी कुछ ना कुछ. ये बात सच नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि यकीन मानने वाली बात ही नहीं है. इतना अजीबोगरीब, इतना मतलब इत्तेफाक कैसे हो सकता है किसी इंसान के साथ. सेट द यंग मैन फीलिंग हर्ट. बोला कि इस तरीके से उसने बोला जैसे कि उसे दुखी हो. नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. सेट गॉड्सबी. गॉड्सबी बोला नहीं नहीं इम्पॉसिबल कहाँ से. आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन कैपिटल. बोले कि मैं तो याद है एग्जैक्टली मैंने ऐसे करा था एक बार अपने देश से बाहर किसी जगह पे. एंड ऑन दैट ओकेजन देर वर टू ऑफ अस. पर उस टाइम पे हम दो थे, दो लोग थे साथ में. विच मेड इट मोर रिमार्केबल. जिसने उसे और यादगार बना दिया. लकीली वी रिमेंबर्ड द होटल वाज ऑन अ सॉर्ट ऑफ अ कैनाल. लेकिन हम अच्छे तरह से फिर हमें याद, एक किस्मत अच्छी थी कि हमें याद था कि वो नदी के किनारे था किसी, या फिर किसी कैनाल, कैनाल बोलते हैं पानी का एक रास्ता, नदी हो सकती है या फिर कुछ इस तरह का जहां से भी पानी गुजरता हो, ठीक है. एंड When we reached the canal, we were able to find our way back to the hotel. फिर उसके बाद हमने होटल भी ढूंढ लिया वहां से गुजरते गुजरते. The youth brightened a little. Like उसे ये सुनके थोड़ी सी खुशी हुई इस यंग मैन को. When he heard this in a foreign city, I wouldn't mind so much. उसने बोला कि एक देश से बाहर के किसी सिटी में तब मुझे इतनी परेशानी नहीं होती. अभी ऐसा क्यों बोल रहा है देखते हैं पढ़ते हैं. पहले देखिए जरा माई डिक्शनरी बोल रहे हैं. Snapped का मतलब ignored. Retreating का मतलब to move back. और कि चला गया वो, रिट्रीट नहीं करा वो ओल्ड मैन जो जा रहा था, रिट्रीट कर लिया वापस चला गया. स्कार्सली का मतलब हार्डली, मतलब स्मॉल अमाउंट में. और अटर्ड का मतलब स्पोक, बोला. और फिक्स का मतलब प्रॉब्लम, ठीक है. इन अ फिक्स बोला था ना, मतलब इन अ प्रॉब्लम. पुल डाउन मतलब डिमोलिश्ड, खत्म कर दिया गया. और रिकमेंडेड का मतलब सजेस्टेड. स्ट्रोल्ड का मतलब वॉक्ड, मतलब टहलना. शिलिंग का मतलब मनी. रिमार्केबल का मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है. शिलिंग का मतलब मनी है, पर कौन सी मनी, एक इकाई वाली मनी. एक डॉलर, एक रुपए, एक पेंस, एक दिनार, एक जो भी हो, एक पाउंड. रिमार्केबली का मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ अनोखा. आगे देखिए. ही सेड वन कुड गो टू वंस कॉन्सुल एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम. ये बोल रहा है कि अगर आप किसी दूसरे देश में फंस जाए ना, तो वहां पे होता है एक ऑफिस जिसको बोलते हैं कॉन्सुलेट, ठीक है. कॉन्सुलेट्स का क्या काम होता है कि वहां पे रहने वाले किसी भी सिटीजन को कोई परेशानी आ रही है तो उस कॉन्सुलेट में जाएगा और उसे अपनी परेशानी बताएगा कि मेरे देश के तुम वो राजदूत हो तो मुझे जरा हेल्प करो यहाँ पे. कॉन्सुलेट्स का यही काम होता है. तो वहां पे कॉन्सुलेट्स का पूरे संगठन को बोल देते हैं वहां पे. तो कॉन्सुल एक आदमी को बोलते हैं कि वो कॉन्सुल है, ठीक है.
वहां अब वो जो मदद करेगा, जैसे मान लिया इंडिया है ना, इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं देश पूरे दुनिया के हर देश में लगभग, तो आप किसी भी देश में घूमने जाएंगे वहां पे हमें कोई परेशानी आती है, मान लिया पासपोर्ट खो गया, कोई वीजा में दिक्कत हो गई, या कहीं पुलिस वुलिस केस हो गया, तो कौन हेल्प करेगा? वहां के कॉन्सुलेट्स हेल्प करेंगे क्योंकि वो इंडियन होंगे और उनका काम होगा कि इंडिया के लोगों की हिफाजत करना उस देश में, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी होती है। और एक ये भी होते हैं राजदूत जो होते हैं एम्बेसडर्स, वो क्या करते हैं इंडिया की बात दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं और दूसरे देश की बात इंडिया तक पहुंचाते हैं, ये सारे काम होते हैं उनके, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कॉन्सुल क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका ऑफिस होता है वहां पे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने दे रखा होता है उन्हें हर देश के अंदर, वहां पर हम जाकर जो है अपनी परेशानी बता सकते हैं अगर इंडियन है तो, या फिर कोई भी, हर देश ने अपने अपने भेज रखे होते हैं हर देश के अंदर, इंडिया में भी अलग अलग देश के कॉन्सुल्स हैं, इंडिया में अगर कोई फॉरेन फंस जाता है तो अपने कॉन्सुल के पास जाता है हेल्प के लिए, एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम, कि मैं अगर बाहर फंस जाता ना तो कॉन्सुल के पास जाता और उससे हेल्प ले लेता। देर इज वंस ओन लैंड वन इज फार मोर हेल्पलेस इफ वन गेट्स इन टू अ फिक्स, बोले कि ये तो अपने खुद की धरती है, मतलब अपने खुद के देश में अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो ये है परेशानी वाली बात, तो अब किसके पास जाएगा आदमी? अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट पर्सन टू बिलीव इन माय स्टोरी एंड लैंड मी सम मनी, कि अन्यथा कि मैं किसी एक इंसान को ढूंढ लूं, एक शरीफ इंसान को, डिसेंट मैन को, जो कि मेरे बातों पे भरोसा करे, मेरी स्टोरी पे, और मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, आई विल बी फोर्स टू स्पेंड द नाइट ऑन द एम्बार्कमेंट, लाइक वरना तो फिर मुझे आज रात फुटपाथ पे ही बितानी पड़ेगी। I am glad anyhow that you don't think the story absolutely impossible. पर कोई बात नहीं, बहरहाल ये सुन के अच्छा लगा कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल बेतुकी नहीं लगी। He threw a good deal of warmth into the last remark, though perhaps to indicate his hope that Godspeed was a decent person. आखिरकार वो ये कहता हुआ जो है चला गया कि आप जो कि मैं decent person है, ऐसा मतलब इस तरीके से उसने जो है ना warmth दी उसको और कहते हुए चला गया, मतलब गया नहीं अभी वहीं पे बैठा हुआ। ऑफ कोर्स सेड गॉड्सबी स्लोली, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल ये बात बोली गॉड्सबी ने। द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कांट प्रोड्यूस एनी सोप, बोले कि वीक पॉइंट आपकी स्टोरी की ये है, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आप सोप तो कहीं से ला नहीं सकते, सोप आपके पास होगा अगर आपने सोप खरीदा है तो आपकी स्टोरी के हिसाब से। द यंग मैन सेट फॉरवर्ड हरीडली फेल्ट रैपिडली इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, कि वो जो है ना जल्दी से अपने ओवरकोट में ढूंढने लगा स्ट्रेंजर के कहां गया, अभी अभी तो था साबुन कहां चला गया। एंड देन जंप्ड टू हिज फीट, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली, वो उछला जोर से और गुस्से में हल्के से जो ना बोला कि मैंने जरूर उसे खो दिया होगा कहीं। टू लूज अ होटल एंड अ सोप ऑन वन आफ्टरनून शोज केयरलेसनेस, लाइक गॉड्सबी कि साबुन भी खो देना और अपना होटल भी खो देना एक ही दिन में, ये तो बहुत केयरलेसनेस की बात है, बहुत लापरवाही की बात है, मतलब ऐसे मजाक करते बोल रहा है गॉड्सबी कि जरूर ये झूठ बोल रहा होगा तभी तो ऐसे खो गई ये, मतलब इसके पास ना साबुन है ना इसकी स्टोरी में दम है। बट द यंग मैन स्कार्सली वेटेड टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्क, पर उसकी आखिरी बात सुनने के लिए जरा इंतजार करा उसने कि अब इसके बाद क्या कहे गए। ही वॉकड अवे डाउन द पाथ, ही हैड हेल्ड हाई विद एन एयर ऑफ एंगर एंड प्राइड, मतलब फिर उसके बाद वो चला गया वो, ठीक है, यंग मैन जो है वहां से चला गया चुपचाप और जो है ना सर ऊपर करता हुआ जा रहा था कुछ सोचते हुए और गुस्से में जा रहा था काफी। इट वॉज अ पिटी म्यूज्ड गॉड्सबी, कहला कि ये बड़े अफसोस की बात है, मतलब बड़े तरस खाते हुए बोल रहा है, पिटी का मतलब तरस खाना, ये सोच रहा है बेचारा। द गोइंग आउट टू गेट वंस ओन सोप वॉज वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी, लेकिन ये कन्वेंस करने वाली बात थी कि अपना खुद का साबुन जो है लेने के लिए ये बाहर गया था। येट इट वॉज जस्ट द लिटिल डिटेल विच ही फॉरगॉट अबाउट, इफ ही हैड द स्मार्ट आइडिया ऑफ कैरिंग द सोप ही वुड हैव बीन अ जीनियस इन हिज पर्टिकुलर प्रोफेशन। बोल रहा था कि ये जो है ना मतलब ये जो आदमी था कि अगर जो ये सब झूठ मार के इसने कहानी बनाई है तो अगर ये सोप अपने साथ और लेकर चलता ना तो जीनियस कहलाता अपने कहानी में, क्योंकि कहानी इसकी पूरी हो जाती तब। टू बी अ जीनियस यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड टेक प्रिकॉशंस बिफोर हैंड, बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें जीनियस बनने के लिए ना बहुत तेज दिमाग बनने के लिए समझदार बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा चुस्ती फुर्ती वाला होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए कि तुम आगे आने वाले खतरों का अंदाजा पहले से ही लगा लो कि आगे क्या क्या आने वाली है, उस चीज के लिए पहले ही प्रिकॉशंस ले लो, पहले ही सावधानी बरत लो। विद दैट थॉट गॉड्सबी रोज टू गो, ठीक है उठा गॉड्सबी जाने के लिए, एज ही डिड सो ही गेव अ सरप्राइज क्राई, द
तभी वो अचानक से सरप्राइज हो गया कि अरे तेरी ये क्या हुआ, क्या देखा उसने। लाइंग ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बेंच वाज अ स्मॉल ओवल पैकेट, ओवल पैकेट पड़ा हुआ था एक जमीन के ऊपर वहीं पे बेंच के पास, रैप्ड एंड सील्ड, इट कुड बी नथिंग एल्स बट द केक ऑफ सोप। बोला कि ये तो जरूर वही केक ऑफ सोप है जो अपने जेबों में ढूंढ रहा था। एंड इट हैड फॉलन आउट ऑफ द यूथ्स ओवरकोट पॉकेट व्हेन ही सैट डाउन। Instantly, Gatsby was running along the dark path, looking for a youthful figure in a light overcoat. लेकिन जल्दी से वो भागा ये देखकर कि अरे इसके साबुन वाली बात तो सच निकली, ये रहा साबुन पड़ा हुआ, वो साबुन लेकर भागा उसके पीछे। He had nearly given up his search when he found the man all of a sudden. कि वो अब थक गया था ढूंढते ढूंढते कि भाई कहाँ चला गया आदमी, तभी वो आदमी उसे दिख गया अचानक से, फिर वो गया उसके पास। The important witness of your story is here. बोला कि लो भाई तुम्हारी स्टोरी का विटनेस ये रहा, said Gatsby, holding out the cake of soap. It must have slipped out of your pocket, overcoat pocket, when you sat down on the seat. बोला कि ये जरूर आपके जेब से जो है ना गिर गया होगा जब आप बैठे होंगे सीट पे। तो I saw it on the ground after you left. You must excuse my earlier disbeliefs, but circumstances were against you. लेके आप मुझे जमीन पर पड़ा मिला जब आप चले गए थे तो, और मुझे आप माफ करिए मेरे पहले ना मानने की वजह से आपकी स्टोरी पे, पर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि हालात, सरकमस्टांसेस बोलते हैं हालात को, हालात आपके कुछ आपके खिलाफ ही थे। क्यों? क्योंकि ना आपके जेब में वो साबुन मिल रहा था, ना आपकी कहानी मैच हो रही थी। एंड नाउ कैन आई लैंड यू सम मनी, क्या मैं आपको थोड़े पैसे उधार दे दूं। द यंग मैन क्विकली टुक द मनी, उस जवान आदमी ने जल्दी से पैसे ले लिए उनसे। Here is my card with my address, continued Gatsby. You can return the money any day this week. बोला कि इस हफ्ते आप कभी पैसे लौटा सकते हैं, ये मेरा कार्ड, इसे मेरा एड्रेस है, ठीक है। There is a soap, don't lose it again. It's been a good friend of you. बोला कि ये लीजिए साबुन और इसे खोइएगा मत, क्योंकि ये आपका अच्छा दोस्त साबित हुआ। Thank God you found it, said the youth, and then paid a word of thanks that with that ran off in the opposite direction. और थैंक यू बोल के अपने रास्ते पे चलता बना। Poor boy, he nearly broke down, said Gatsby to himself. I am not surprised. It must have been such a great relief to him. उसने बोला कि ये बेचारा तो टूट ही गया था लगभग, इतनी सारी परेशानियां आ गई थी आज इसके जिंदगी में। बोले कि मैं तो सरप्राइज नहीं हुई देख के कि अब मुझे लगता है कि जो है अब इससे बहुत ज्यादा राहत मिली होगी, थोड़ा सा पैसे मिल गए, जाएगा कोई और होटल देखेगा और बताएगा अपने जरा लोगों को कि भाई मेरा होटल वोटल ढूंढो। But I have learned my lesson, never so be quick to judging people. बोले कि लोगों को जज करने से पहले वक्त लेना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी आप लोगों को जज कर लें, मतलब लोगों को आंक लें आप खाली उनकी बातें सुन के। थोड़ा वक्त देना चाहिए तब आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे अच्छे हैं बुरे हैं सच्चे हैं झूठे हैं सब चीजें। As Gatsby walked back to the seat where the little drama had happened, he saw the old man had seen earlier. He had seen earlier. The man was desperately searching for something. कि वापस वो गया तो अपनी सीट के पास देख रहा है कि एक ओल्ड मैन कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? Have you lost anything, sir? Gatsby asked. उसने पूछा उस बूढ़े आदमी से कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप कुछ आपने खो दिया क्या? तो उसने बोला Yes, sir, a cake of soap. बोला हाँ हाँ एक केक ऑफ सोप साबुन। मतलब कि सोचिए आप कि उस बूढ़े आदमी का वो साबुन गिरा हुआ था वहां पे और वो जो चला गया था उससे पहले, यंग मैन से पहले, यंग मैन फिर बाद में आया होगा वहां पे, आया होगा तो अपनी कुछ कहानी बताई और कहानी बताते बताते उसे साबुन दिखा और साबुन को भी उसमें जोड़ दिया उसने अपने कहानी में। अब जोड़ दिया तो उसके बाद उसके कहानी पर उसने भरोसा नहीं किया, वो चला गया। अब उसने फिर वो साबुन देखा और साबुन देखने के बाद उसे यकीन आ गया और उसके पास वो चला गया, ठीक है। तो पूरा उसका ताना बाना पहले से सेट था उस आदमी का, वो आदमी ठग आदमी था जिसने उसे ठग लिया बेचारे को, गॉडफ्री को। आगे देखिए टिक द राइट आंसर पे। नॉर्मन गॉडफ्री वाज सिटिंग इन द पार्क इन द इवनिंग व्हेन इट वाज बिगनिंग टू गेट डार्क व्हेन द एटमॉस्फेयर वाज सैड। तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें ठीक है। शाम भी हो रही थी, डार्क भी होने वाला था और एटमॉस्फेयर सैड भी था उसके हिसाब से, मतलब कि बहुत दुख का आलम छाया हुआ था। तो इस पे भी टिक लगा दिए फोर्थ पे, मतलब डी पे। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, कि सारी बातें सही हैं किसके अलावा। गॉट्सबी हिमसेल्फ वाज अनहैप्पी, ये तो ट्रू है। गैट्सबी गॉट्सबी वाज स्ट्रोलिंग इन द पार्क, ये बात सही है क्या। गॉट्सबी वाज फाइनेंशियली वीक, ये बात सही है। द ओल्ड मैन सिटिंग नेक्स्ट टू गॉट्सबी वाज आल्सो अनहैप्पी, ये बात भी सही है। तो गॉट्सबी वाज स्ट्रोलिंग इन द पार्क, कि गॉट्सबी क्या स्ट्रोल कर रहा था पार्क में, टहल रहा था, जवाब ही नहीं, वो तो बैठा हुआ था एक जगह पे। तो इस पे टिक लगा देते हैं जरा। गॉट्सबी
वॉज स्ट्रोलिंग इन द पार्क, इस पर टिक लगा देते हैं। आगे देखिए, द सेकंड पर्सन टू सिट बिसाइड गॉड्सबी, जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था गॉड्सबी का, वो कौन था? वॉज प्रिटी यंग लेडी, वॉज अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन, वॉज एन एल्डरली जेंटलमैन, वॉज एन एल्डरली लेडी। तो सेकंड पर्सन में तो यंग मैन आया था ना उसके पास, तो वो होगा वॉज अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन, इस पर टिक लगा दिए, वही कनिंग यंग मैन के बारे में बात हो रही है। फोर्थ में आपका द यंग मैन हैड नॉट लाइक टू यूज होटल सोप, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द होटल, नो फ्रेंड्स इन लंडन एंड नो मनी। तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सही बातें सही है, ना उसे साबुन पसंद था होटल का, ना उसे याद था होटल का नाम, ना ही उसके कोई फ्रेंड थे लंडन के अंदर। तो फोर्थ में या फिर कहते डी पे टिक लगा दिया आप। फिफ्थ में आपका द वीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज that he couldn't produce soap. Weak point उसके story का क्या था, मतलब उसके सबसे कमजोर कड़ी कौन सी थी उसके कहानी की, कि वो soap को produce नहीं कर सकता था, इस पे टिक लगा दिए, ठीक है। आगे देखिए, बी में fill in the blanks with suitable words to complete the following chart. Complete करिए जरा इस chart को। The young man came to London in the afternoon, wanted to stay at hotel का नाम क्या था, Pentagonian Hotel at Berkshire स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा आप लिख लीजिए, ऊपर चैप्टर में से देख लिया क्या है। वेंट आउट टू बाय सोप, हैड अ, हैड के आगे लिख देगा अ ड्रिंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप्स, नहीं ये मत लिखिएगा आप, ये मत लिखिए हैड के आगे, वो मत लिखिएगा आप, लिखिएगा हैड अ शिलिंग ऑन मी विच आई स्पेंट ऑन बाइंग द सोप एंड ड्रिंक, and here I am wandering about with two pence in my pocket, वो लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना, and nowhere to go for the night, had two pence in his pocket and nowhere to go tonight, go at night, लिख दिएगा आगे, ठीक है, ये भी मत करिए, मैं लिखवा ही देता हूँ उसको, ठीक है, ठीक है, ये लिखिएगा, had a drink at the bar, had a shilling which he spent on soap and drink, had two pence in his pocket and nowhere to go, ठीक है। आगे आगे देख लेते हैं जरा, true false, पहला था old man found the soap, तो true, old man ने ढूंढ लिया soap जो है। अच्छा, कौन सा वाले old man की बात हो रही है, गॉड्सबी की बात हो रही है या फिर वो old man जो बाद में आया था? यहाँ पे देखिए, गॉड्सबी को, गॉड्सबी है तो ओल्ड, पर उसे ओल्ड मैन नहीं कहा गया है इसमें, है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, जो है वो दूसरा वाला जो ओल्ड मैन था, ठीक है, वो ढूंढ रहा होगा, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए फॉल्स, के कहाँ से मिलेगा वो सोप, सोप तो वो उसको दिया जाता यंग मैन को, तो यहाँ पे आप फॉल्स लगा दिए, ठीक है, कि ओल्ड मैन को सोप नहीं मिला, क्यों, क्योंकि गॉड्सबी ने उसको दे दिया था यंग मैन को जाके। आगे देखिए, सेकंड में आपका गॉड्सबी रैन आफ्टर द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन के पीछे भागे क्या गॉड्सबी, फॉल्स, नहीं, ओल्ड मैन के पीछे थोड़ी आता होते, यंग मैन के पीछे भागा था। द विटनेस ऑफ द स्टोरी वाज अ शू, शू था क्या विटनेस ऑफ द स्टोरी, फॉल्स, नहीं, वो तो सोप था। द यंग मैन रिटर्न्ड गॉड्सबीस मनी, फॉल्स, नहीं, नहीं लौटाने वाला, क्योंकि वो तो ठक के गया ना। द एल्डरली जेंटलमैन वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, एल्डरली जेंटलमैन जो है, मतलब ओल्ड मैन जो है, वो कुछ चीज को ढूंढ रहा था, वही पहले वाला ओल्ड मैन जो है वो ढूंढ रहा था ये चीज को, तो ट्रू, ढूंढ रहा था अपने साबुन को ढूंढ रहा था। आगे देखिए, डी में गिव शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे आंसर दे दिया आप जरा। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सिट ऑन द बेंच नेक्स्ट टू गॉड्सबी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही, आंसर लिख दिया एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच नेक्स्ट टू गॉड्सबी, ही लुक्ड defeated but was not ready to admit it, ठीक है, वो देखने में लग रहा था कि जिंदगी से हार चुका है पर तैयार नहीं था उस चीज को एडमिट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, what was the weakest part of the young man's story, तो आंसर लिख दिया that he could not produce the soap, that he could not produce the soap, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड में है why and when Did Gatsby believe the young man? के क्यों और कब बिलीव किया Gatsby ने उस यंग मैन के ऊपर? तो आंसर लिखिए, When he found the soap,
ही स्टार्टेड टू बिलीव दैट द यंग मैन वॉज टेलिंग टेलिंग द ट्रूथ. ठीक है, जब उसे वो सोप मिल गया तब उसने मतलब बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो सच बोल रहा है. When Godspeed returned to the bench, who did he see? What was the man doing? जब वो लौटा Godspeed तो बेंच के पास किसको देखा उसने और वो क्या कर रहा था आदमी? तो उसका आंसर लग दिया, When Godspeed returned to the bench, he saw the old man who was sitting next to him, and the man was searching for the soap that he lost there. ठीक है, वो ओल्ड मैन जो है ढूंढ रहा था किस चीज को, सोप को जो वहां पे उसने खो दिया था. फिर से देखिए, इन द एंड हु वाज फूल्ड, क्या आखिरकार कौन बेवकूफ बना? तो आंसर लिख दिएगा Godspeed. इन द एंड Godspeed गॉट फूल्ड बाय द यंग मैन. ठीक है, गॉट आएगा, गॉट फूल्ड बाय द यंग मैन. आगे देखिए, ई में गिव लॉन्ग आंसर्स, डिस्क्राइब द ट्विलाइट सीन एट द पार्क. ट्विलाइट सीन को बताइए जरा पार्क के अंदर. तो सीन को समझाना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लिया आप आखिर तक. देयर वॉज अ वाइड एम्प्टीनेस ओवर द रोड एंड साइडवॉक एंड मैनी पीपल मूव्ड साइलेंटली थ्रू द हाफ लाइट और वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड चेयर्स इन द पार्क. द डस्क पेंटेड अ पिक्चर ऑफ ग्लूम एंड मॉर्बिडिटी. और यहाँ के बाद आप ये भी लिख लीजिएगा, The man and woman looked as if they had lost the battle of life and in the twilight hour they were trying to hide their miserable clothing from others. बस यहाँ से यहाँ तक. और ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप लिख लिए, हो गया आपका आंसर. आगे क्या बोल रहे हैं? Describe Godspeed's encounter with the young man. कि Godspeed का एनकाउंटर बताइए जरा यंग मैन के साथ कैसा था. तो ऐसे देखिए, The young man was, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेगा, द यंग मैन वॉज, उसके बाद फेयरली वेल ड्रेस्ड बट स्कार्सली मोर चेयरफुल देन हिज प्रीडेसेसर. उससे पहले वाले से ज्यादा थोड़ा सा चेयरफुल था, थोड़ा सा ही बिल्कुल. एज इफ टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट ही वॉज अनहैप्पी एंड ट्रबल्ड द न्यू कमर अटर्ड अ कर्स एज ही सेट. बस इतना लिख दिया आप, ठीक है. और इससे आगे वो लिख लिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, डिक्टेशन बोल रहा हूँ वो इसके आगे लिख लिया, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक तो आपने लिख लिया, उसके बाद जो बता रहा हूँ वो भी लिख लिया. The young man told Godspeed a story of how he got into a trouble and asked for some help. At first, Godspeed did not believe him, but after that, he found the soap that the young man was telling about. Then Godspeed gave some money to the young man, but in the end Godspeed found out that the story was a lie and he got fooled by the young man. Bas itna likh diye, ho gaya aapka answer complete. Ab yahan pe long answer ki bhi hoga dono aur exercise ho chuki hai hamari, to chapter complete hota hai. Ye sab complete karne ke baad aap mujhe send kar diye, aapka homework hai. कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.